लखनऊ की ओर। इंदौर की विजयनगर पुलिस ने ड्रग्स रैकेट मामले में शनिवार को सयाजी होटल के पीछे ड्रग्स की डिलीवरी देने आए पैडलर अमन उर्फ किशन वैरागी को पकड़ा है। पुलिस ने जब इसकी तलाशी ली तो इसके पास से 10 ग्राम एमडीएमए ड्रग्स मिला। पूछताछ में से साउथ तुकोगंज के वर्षा अपार्टमेंट में रहने वाले सार्थक उर्फ सम्राट याग्निक से ड्रग्स लेना कबूला। पैडलर ने बताया कि सार्थक जब भी इंदौर आता है तो बैग भरकर लूट लाता है। वह हवाला का बड़ा कारोबारी है। आरोपी सम्राट के बारे में पता चला है कि वह रेंज रोवर, जैगुआर, बीएमडब्ल्यू कार, 4 लाख का मोबाइल फोन रखता है। इसके पास पिस्टल भी है। पुलिस आरोपी की निशानदेही पर सम्राट याग्निक उर्फ शरद की भी तलाश कर रही है। वहीं गिरोह से जुड़ी आफीन का रिमांड खत्म होने पर विजयनगर पुलिस ने कोर्ट में पेश कर उसका दोबारा रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने उसे जेल भेजने के आदेश दे दिए। वहीं पुलिस अब तक आंटी के फरार बेटे यश जैन को नहीं पकड़ पाई है। पकड़े गए आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है कि उसके लिंक और किन किन लोगों से जुड़े हैं। ड्रग्स मामले में क्या अपडेट है? कल एक व्यक्ति को पकड़ा जो महंगी कार का शॉपिंग में था। जैसा आपको मालूम है, पिछले कई दिनों से इंदौर पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में कल सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सयाजी होटल के पास में ड्रग्स को लेकर जा रहा है। इसी सूचना पर विजयनगर से टीम रवाना की। टीम ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके कब्जे से एमडी बरामद की। उसको प्रकरण पंजीबद्ध किया, गिरफ्तार किया गया है। उसकी गिरफ्तारी के पश्चात और भी लिंक मिले हैं जिन पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। सर, ये इसका बैकग्राउंड क्या है, लड़के का क्या करता था? ये किशन नाम का एक व्यक्ति है जो एक व्यवसायी है जो तुकोगंज क्षेत्र में रहता है। उसके यहाँ ये काम करता है और उससे कुछ उसका लिंक है। इस तरह की अभी सूचनाएँ प्राप्त हो रही हैं जिस पर अभी विवेचना की जा रही है। तो पूछताछ में आगे भी इसके कुछ लिंक मिलेगी इनकी? यस, युवक के साथ और भी थे जो इस एमडी ड्रग्स सप्लाई या तस्करी के मामले में सामने आएंगे ना? हाँ, निश्चित रूप से इस बात की पूरी संभावना है कि ये जिसके साथ एसोसिएटेड है उसके साथ में और भी लोग हैं। और इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ला रहा था, इस पर भी हम लोग अभी डीप में जाएंगे। सर, अभी आंटी के मामले में क्या अपडेट है? उनके बेटे की तलाश जारी है, क्या सूचना है? हाँ, अभी हम लोग उसको ढूंढ रहे हैं और हम लोग शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।